अगर किसी को शुगर होगा तो पपीता खा सकते हैं, मगर पूरा पका हुआ नहीं खा सकते, कच्चा पक्का, कच्चा पप्पा पपीता खा सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि वैक्सीन लेने से पहले बीमारी बंदे से खुद पूछे कि भाई तूने क्या खाया था। तो मैंने ये खाया था, आप तब बता सकते हैं जब आप ये फ्रूट को खाएंगे, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज मैं आपको इसके पूरे फायदे बताने वाला हूँ, और भी फायदे हैं। नमस्कार, मैं ईशान मलानी और आपका ईशान गार्डन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इसके पूरे फायदे जानने वाले हैं, तो चलो। ये पपाया है जिसे पपीता भी कहते हैं, ये खाने में लज्जतदार होता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है कम प्राइस में, ये हमेशा खाना चाहिए। यहाँ पर जो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये विदाउट केमिकल, इसे कुछ स्प्रे नहीं है, कुछ दवाई मटेरियल कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी लज्जतदार लगता है खाने में। तो हम इसके एक एक करके सभी फायदे को जानेंगे। ये पपाया जिसे पपीता भी कहते हैं, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन के है, इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए के जो भी फायदे हैं वो सब फायदे हमें मिलते हैं। बाद में इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स के जो भी फायदे वो सब हमें मिलते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसमें विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन के होता है, साथ ही इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वजन कम करना है तो आप पपाया खाइए, बहुत ही अच्छा होता है, वजन कम होता है। इसमें लाइकोपिन पाया जाता है जो दूसरे फलों में नहीं होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। ये हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होने में बहुत बहुत मदद होती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर की बीमारी होती है उसे ये ठीक करता है, आने नहीं देता। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कोई दूसरे फ्रूट में नहीं होता है और इस पपीता फ्रूट में है, वो है लाइकोपीन, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सिर्फ पपीता फ्रूट में ही है। साथ ही बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। आपने सुना होगा कि पपाया खाने से पेट साफ होता है, आपने सही सुना है, पपीता खाने से पेट साफ होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को अच्छा बनाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि नॉनवेज बनाते टाइम उसमें पपीता के पीस डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं, वो मीट को गलाने में काम आता है, इसलिए डालते हैं। ये मीट में के प्रोटीन्स को गलाता है। आपने सुना होगा कि मीट नॉनवेज बनाते टाइम उसमें पपाया के पीस डालते हैं, क्योंकि पपाया में पपाइन एंजाइम होता है जो मीट को गलाने में मदद करता है। अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपको पपाया का सेवन करना चाहिए, लाभदायक होता है। अगर आप हमेशा नॉनवेज खाते हैं तो पेट के स्वास्थ्य के लिए पपीता भी खाएं। आप अगर हमेशा पपीता खाते हैं तो आपको क्रोनिक्स बीमारी नहीं होगी, क्रोनिक्स बीमारी यानी वो कॉमन बीमारी नहीं होती, ये कैंसर की बीमारी को होने नहीं देता, वो ठीक करता है या वो आने नहीं देता, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको
शुगर की बीमारी है तो आप पपीता खा सकते हैं, मगर आपको पूरा पका हुआ पपीता नहीं खाना है, कच्चा पक्का पपीता खाना है। ये हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है। पपीता खाने से जो बॉडी में का टॉक्सिन होता है वो निकलता है और जो पेट होता है उसमें सूजन वगैरह हो गए तो वो भी ठीक होता है। पपीता खाने से जो स्किन की झुर्रियाँ होती है वो नहीं आती और जो फेस पैक होता है, जो फेस को लगाते हैं उसमें भी पपाया होता है। ये बाहर स्किन को भी पपाया लगा सकते हैं। इसकी टेस्ट कितनी अच्छी है, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं और ये सब तरफ अवेलेबल होता है, इसकी प्राइस भी कम है। ये जो फ्रूट है ये खाने में बहुत अच्छा होता है, आप इसे ज़रूर खाइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जिशान गार्डन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी पाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।